बाबू के कुछ ठंडा में नशा पिलाकर वो मोबाइल कहे हैं कि हमको दो थोड़ा इस बात करने के लिए, मोबाइल तो छुपा लिए हैं, आप लोग बताओ जो देखते हैं तो मोबाइल हमारे घर पहुंचा दो। ले लिए थे ठंडा में पिला दिए, सब नशा हो गए। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 एंड गाइज अभी मैं नहा हुआ कर सो बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। और गाइज सुबह सुबह आ चुका हूँ खेत में, दो दिन से कंटिन्यू बारिश आ रहा था तो गाइज ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा था। बताइए आप लोग कहाँ कोई जाएगा। और फाइनली अभी मौसम खुल चुका है, हल्का फुल्का धूप निकल गया है एंड गाइज अभी देख सकते हैं आप लोग, आते ही हो गया मेरा बुरा हाल। देखिए पैंट वगैरह भीग चुका और स्लीपर वहाँ पे निकाल दिए। बरसात का मौसम आ गया तो गाइज बारिश आएगा, लेकिन खुल भी गया है तो गाइज अभी देख सकते हैं धान में पानी लग चुका है। निकलते हैं घर के लिए, स्लीपर हाथ में लेते हैं। ये गाइज फूट, सो अभी ये फूट गया है ऐसे। ओ भाई, और भाई साहब अभी मस्त मौसम लग रहा है, सुहाना सुहाना, मजा ही आ जा रहा है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अभी गाइज देख सकते हैं चारों तरफ हरा भरा, हरा भरा। आप लोग का धान रोपाई हो गया है कि नहीं हो गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और गाइज अभी निकलते हैं घर के लिए क्योंकि नाश्ता वगैरह अभी नहीं किए, भूख काफी तेज लगा है। मैं सोचा हूँ खेत वगैरह देख लेते हैं। भाई साहब एकदम चोपा हो गई है, अभी धुलते हैं पैर वगैरह। तो भाई साहब अभी घर पे आ चुके हैं और गाय यहाँ पे देखिए माता जी अभी लिपाई कर रही हैं। तो गाय सबसे पहले मम्मी जी को प्रणाम करते हैं। खुश रहा बेटा, खूब सुखी रहा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? देखो हम लोग तब मंदिर का सफाई कर रही हैं, पूजा पाठ होने जा रहा, पूरा एकदम कचरा हो गया था पूरा। इधर भी देख सकते हैं गाय कैसे हाल हो चुका है। माता रानी भोलेनाथ से दुआ मांगती हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जितने देखते हैं, जितने हमारे दर से देखते हैं, खूब कुशल मंगल सुखी से रहे बच्चों। तो भाई साहब अभी पूजा वगैरह हो चुका और मैं एक सीन आप लोग को दिखा रहा हूँ। इधर देखिए भैया अभी नहाने जा रहे हैं और भैया आज जाएंगे अपने ससुराल। तो अभी देखिए क्या सब लिए हैं, सुरसुरा ले लिए हैं, कह रहे हैं बाबू खाएगा। तो गाइस देखिए भैया एक पैकेट नमकीन कुरकुरा, पैसा कौन दिया है? बाबा इसके बोलने में कुछ टाइम लगता है बच्चों, देखो एक आदमी। अरे भाई साहब देखिए कितना डॉग हमारे घर में डूब रहे हैं सब। जा भग जा भग जा भग जाओ भग जाओ। गाइस देखिए भी पास में आ रहा, अच्छे से रख घर में। हम लोग जैसे रोटी वगैरह हमेशा देते रहते हैं ना गाइस, तो ये लोग परख गए हैं तो आते रहते हैं। जा भग जा भग जा। जाओ जाओ। और भाई साहब ये देखिए हमारे घर में क्या लाई है मम्मी जी, क्या है यार? ये घर में निकला है जो बादर गर्जा है तो ये गर्जुआ बोलता है, तो मेरा घर में ये तो फाट कर गर्जुआ निकल गया है देखो। इसके जैसा ही मशरूम रहता है, जो मशरूम बिकता है मार्केट में जो लोग सब्जी खाते हैं तो ऐसे ही रहता है देखिए। बट ये दूसरा कुछ है ना, ये वही चीज सेम चीज है। गर्जुआ जैसे बादल गर्जता है तो धरती में से फट कर निकल, क्या होगा यह? इसका सब्जी बनता है, हम नहीं खाएंगे आप खाएगा। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि रात में आए थे जीजा जी को लेने के लिए, इनके साथ बहुत भयानक कांड हो चुका है, इनको मिल चुकी है धोखा, ये जा रहे थे बाहर। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है यार कि ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई और अचानक से गाइस हो गई है दिक्कत। और मैं गाइस मैं आप लोग को क्या बताऊं यार, मतलब यार एक होता है ना कि घर में एक यंग लड़के हैं और फैमिली का पूरा जिम्मेदारी गाइस मेरे ऊपर ही है सब कुछ देखते हुए गाइस। और मैं ये सब बात नहीं आप लोग को बताना चाहता हूँ गाइज, लेकिन आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए गाइज कब तक आप लोग को छिपाऊंगा यार, आप लोग फैमिली वगैरह कब तक छिपाएंगे आपसे, कब तक नहीं बताएंगे आप लोग बताइए। गाइज सीन क्या हुआ है कि जीजा जी हमारे हैं, आप लोग को पहचान, इन लोग इनको पहचानते होंगे, हमारे जीजा जी हैं घर पे आए हैं और गाइज ये इनके साथ हो गया बहुत बड़ा कांड हो गया गाइज। मैं आप लोग को बताऊंगा, थोड़ा सा ब्लॉग पिछले भी बनाए हैं रात में किस तरह बैग लेकर आए हैं, ये चीज भी आप लोग देख लीजिएगा। सो ये चीज भी आप लोग देख लीजिएगा गाइज। और आने के बाद इनके साथ अचानक से एकदम इतना खतरा गाइज हो चुका है, ये अपने मुंह से खुद बताएंगे, इनकी 15,000 की मोबाइल चोरी हो चुकी है, जो कि ये खेत रेहन यानी खेत जो बोलते हैं गाइज, खेत अपना बेच कर ये मोबाइल खरीदते हैं रेहन धर के, कि इनका शौक था। हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली वाले गाइज नहीं कर पाते हैं यार, उस तरह नहीं कर पाते हैं, किसी तरह हम लोग मैनेज करके सारी चीजें करते हैं गाइज। और आप लोग जानते हैं पैसा रहेगा तभी तो मोबाइल खरीदेंगे, आज ही अपने मुंह से खुद बताएंगे कि मोबाइल इनके साथ कैसे क्या हुआ है और कैसे मोबाइल चोरी हुई। इनका दर्द गाइस आप लोग खुद जान सकते हैं,
हम लोग परेशान है यार गाइस, देखिए मम्मी अभी काम करके आ रही है। बताइए घर में एक यंग लड़के है, सारी फैमिली को लेकर चलाना एक समझ सकते हैं गाइस की फैमिली आप लोग देखते ही हैं, फैमिली का जिम्मेदारी। और एक गाइस मैं आप लोगों को बताऊं, ये दर्द मेरा करता है, सही बता रहा हूं, ये खुद बताएंगे क्या होगा। बस थोड़ा देर के लोग ले लिए थे ठंडा में, पिला दिए सब नशा में हो गए, तो पता नहीं मोबाइल तो दिए उसको फोन से बात करने के लिए, अब आगे वहाँ पे गए होटल पे नहीं चल बोल तो आप मोबाइल मांगे तो बोला कि मोबाइल ही नहीं लिया है। इतने जान धो के खरीदे थे 15,000 का मोबाइल, अभी महीना दिन नहीं हुआ था, मोबाइल हो गया चोरी, हम चुरा लिए हैं सब, दे दिया है, बोले कि फोन से बात करने के लिए दिए हैं उनको, अब उसके बाद कह रहे हैं कि हमको मोबाइल ही नहीं दिया है। तो गाइज मोबाइल का कागज दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे दिखता होगा। और गाइज जो लोग भी हमारे भैया हो यार, मतलब सपोर्ट करो थोड़ा सा, जो भी आप लोग ट्रेक करना जानते हो या सर्विस लाइन पे डलवाना चाहते हैं, तो गाइज यार आप अपने दीपू ब्लॉग को सपोर्ट करो यार, मतलब यार आप फैमिली हो यार। गाइज मैं सच बता रहा हूँ ना, आप लोग से मेरा उम्मीदें जुड़ी रहती है, मैं कभी डरता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ, आज मेरा 80,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 80,000 हमारे मम्मी पापा भैया लोग खड़े हैं यार, तो दीपू क्यों डरेगा। जो भी हमारे भैया लोग को नॉलेज होगा, भैया लोग एक कागज आप लोग को दिखता होगा, MI नंबर मोबाइल का दिखता होगा, प्लीज आप लोग सर्विस लाइन पे लगवाइए, क्योंकि गाइज समझ सकते हैं यार, अब क्या बताया जाए, जीजा है समझ सकते हैं, जब इनको खुद समझ नहीं है ऐसे लोग के साथ जा रहे हैं, तो गाइज क्या किया जाएगा। मम्मी भी कुछ बोलना चाहेंगी, बोलिए। बच्चों हम आप लोग से बता रहे हैं कि हमारे गांव के लड़का ये बाबू के कुछ ठंडा में नशा पिलाकर वो मोबाइल कहे हैं कि हमको दो थोड़ा इस बात करने के लिए, मोबाइल तो छुपा लिए हैं, आप लोग बताओ जो देखते हैं तो मोबाइल हमारे घर पहुंचा दो। बच्चों ये सबको शौक है मोबाइल चलाने के लिए, तो अपना खेत बंधक धकर मोबाइल 15,000 के किने हैं, उसमें कह रहे हैं कि 1,000 पैसा है, मोबाइल है, वो तो खो गया, वो भी लड़का छुपा लिया। तो गाइस यार मतलब समझ सकते हैं यार कि इमोशनल होने का मन नहीं करता यार, लेकिन हो जाना पड़ता है यार कि जिम्मेदारी है गाइस यार, आप लोग समझ सकते हो यार। फोन किसी तरह करता है, मेरा 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा, 3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा, गाइज मैं भी चाहता हूँ कि डेली ब्लॉग दिखाऊं यार, लेकिन ये देख रहे हैं आप लोग, यही हमारी सच्चाई है, रियल सच्चाई है, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ गाइज, हम लोग का सोचना पड़ता है। बाकी गाइज यार आप लोग प्लीज यार आप लोग से हाथ हम लोग जोड़ रहे हैं कि जिस भैया को मालूम होगा मोबाइल नंबर कागज दिखता होगा, MI नंबर दिखता होगा, आप लोग, मैं कल खुद जाऊंगा, SP के पास मैं खुद जाऊंगा, थाने पे खुद जाऊंगा मैं कंप्लेन करने के लिए। एंड आप लोग की भी गाइज अगर नॉलेज है, आप लोग कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, तो गाइज बस दीपू भाई को सपोर्ट करिए। और बस गाइज और क्या बताएं गाइज, ब्लॉग भी नहीं बन पाया, अब समझ ही सकते हैं गाइज क्या बताऊं, तो बाकी माफी चाहता हूँ आज के लिए नहीं दिखा पाया, बाकी आप लोग समझ ही रहे हो, दर्द भाई का समझ ही रहे हो यार।